हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जितने भी विद्यार्थी 2025 में क्लास 10th का बोर्ड का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे जिससे आप पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे विद्यार्थी क्या करते हैं, शुरू से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चे इस विषय को शुरू से नहीं पढ़ते हैं और ऐसा सोचते हैं कि लास्ट का 2 महीने पढ़कर हम आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन इस समय अब समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ठीक है, तो वैसे ही विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको हिंदी में पास होना है तो बस आपको इतना ही पढ़ना है। ये वीडियो केवल पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, जो विद्यार्थी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं यानी 90 नंबर 95 नंबर लाना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बेसिक है। क्योंकि इस वीडियो में क्या किया गया है कि केवल पासिंग मार्क नंबर बताए गए हैं कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो पासिंग मार्क आपके नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको पूरे टॉपिक्स को बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले क्या होना है, पहले तो पास तो होना ही है। पास होने जितना नंबर हमें क्या करना है, पहले कंप्लीट करना है, यानी उतना तो हमें करना ही है। फिर उसके बाद हमें उन चीजों को पढ़ना है जिसको पढ़कर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो पहले हमें पता है कि 23 नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए, तो कम से कम 23 नंबर का तो क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 23 नंबर का तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो ये तैयार करने के बाद, ठीक है, इसको तैयार करने के बाद इन टॉपिक्स को हम उन टॉपिक्स को तैयार करेंगे जो बचे हुए हैं, जिन्हें पढ़कर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, आपके पेपर में 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से पूछा जाता है और 5 क्वेश्चन हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से पूछा जाता है। पहला गद्य के विकास से और दूसरा पद्य के विकास से। तो अब आप कहेंगे कि सर हमें कहां से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो कि पेपर में आ सकते हैं। तो ये आपको नहीं पता करना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 क्वेश्चन बताऊंगा जिन्हें अगर आप पढ़ लेते हैं तो 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। तो यहां से 10 नंबर मैं आपको दिलवाऊंगा। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपका तैयार कराऊंगा 10 नंबर और 10 में 10 नंबर आप लेकर के आएंगे। तो 10 नंबर आपका पहला क्वेश्चन और दूसरे नंबर से क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं व्याकरण पे। ठीक है, क्या व्याकरण में, तो व्याकरण से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्याकरण को आपको सबसे पहले क्या करना है, रस को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, 2 महीने केवल बचा हुआ, तो पहले हमें उन चीजों को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन जो है वह फिक्स है कि पेपर में आएंगे ही आएंगे, उनके बाद जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। तो रस में आपको हास्य रस एवं करुण रस पढ़ लेना है। उसके बाद उपसर्ग पढ़ना है, उपसर्ग कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो शब्द के कहां लगता है, शुरू में लगता है, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो एक शब्द दिया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आसानी से बता सकते हैं। फिर आपको समास पढ़ना है जिसमें 3 से 4 समास केवल आपको पढ़ना है। फिर तद्भव तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। तो 4 क्वेश्चन यहां से भी आप ला सकते हैं, बहुत ही आसान है, हर क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा। उपसर्ग आसानी से पहचान जाएंगे, समास पहचानने का मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, और रस में इसका उदाहरण पूछा जाता है, कभी कभी परिभाषा भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी मैं आपको 4-5 उदाहरण बता दूंगा, वही उदाहरण बार बार रिपीट होता है, तो आप आसानी से यहां से भी नंबर पा सकते हैं। तो 10 नंबर आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन से मिल जाएगा और 4 नंबर यहां से आसानी से आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं खंड ब में। ठीक है, कहां पर, खंड ब में। तो खंड ब में क्वेश्चन क्या बनता है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी 3 क्वेश्चन रहता है, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहता है। एक गद्यांश दिया जाता है और उस पर आधारित 3 क्वेश्चन रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन संदर्भ लिखने के लिए आता है, एक क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आता है, और तीसरा जो क्वेश्चन रहता है वो उसी गद्यांश पर में से पूछ लिया जाता है। तो मान लेते हैं कि 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसे सभी विद्यार्थी कर सकते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन रहता है, तो संदर्भ लिखने वाला। संदर्भ तो सभी लोग लिख लोगे, और अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं भी आता है तो एक बार अगर आप इसे पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो सभी चैप्टर के लिए वही रहता है, बस चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा और लेखक का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी लिखना वैसे ही है। तो मान करके चलते हैं कि 6 नंबर में से 2 नंबर आप गद्यांश का हल कर पाएंगे और 2 नंबर पद्यांश में हल कर पाएंगे। तो यहां से कितने नंबर आपके मिल गए,
चार नंबर, तो चार नंबर तो फिक्स है कि आप ला ही देंगे, ठीक है। संदर्भ लिखने का आपको दो दो नंबर मिल ही जाएगा, तो चार नंबर यहां से भी क्लियर हो जाएगा। फिर जीवन परिचय आपको तैयार करना है उसके बाद, तो जो टॉपिक मैं इस समय आपको बता रहा हूं इस समय आपको यही पढ़ना है, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय में दो जीवन परिचय पूछा जाता है, पहला लेखक का जीवन परिचय और दूसरा कवि का जीवन परिचय। तो लेखक में आप लोगों को तीन लेखक का जीवन परिचय याद करना है, पहला रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। केवल तीन लोगों का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है, ठीक है। और यहां से पांच नंबर का क्वेश्चन बनता है, तीन नंबर जीवन परिचय लिखने का और दो नंबर रचना लिखने का दिया जाता है। तो सभी लेखक का क्या कीजिएगा, तीन से चार रचना भी याद कर लीजिएगा। फिर आता है यहां पर कवि का जीवन परिचय, ठीक है। तो कवि में चार कवि का आपको जीवन परिचय याद करना है, पहला सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास जी का, तीसरा महादेवी वर्मा का और चौथा सुमित्रा नंदन पंत का। अगर इन चार कवियों का आप जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, इन्हीं कवियों में से किसी न किसी एक कवि का जीवन परिचय पूछा गया है, वैसे ही लेखक में भी। तो यहां से भी पांच नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो दस नंबर जीवन परिचय से भी क्लियर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है, तो दो लाइन का श्लोक लिखना होता है, आसानी से लिख देंगे। कोई भी एक संस्कृत का श्लोक याद कर लीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा जो आपकी किताब में दिया गया हो। फिर लास्ट टॉपिक है निबंध, क्या है, निबंध है। तो निबंध भी सात नंबर का क्वेश्चन बनता है पेपर में, तो इसमें आपको कौन सा निबंध पढ़ना है, तो केवल आपको पांच निबंध पढ़ना है। पहला विज्ञान के चमत्कार, दूसरा बेरोजगारी की समस्या, तीसरा प्रदूषण, चौथा जनसंख्या विस्फोट और पांचवा निबंध है भारत में आतंकवाद। केवल यही पांच निबंध आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन्हीं पांच में से जो निबंध है वह फंस जाएगा। तो सात नंबर यहां से आप आसानी से ला सकते हैं। ज्यादा निबंध नहीं लिखना है, कम से कम दो पेज बहुत होता है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, चार पांच पेज में निबंध नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो सात नंबर का क्वेश्चन है, दो पेज में आपको निबंध लिखना है और यही पांच टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। तो अगर इतना पढ़ लेते हैं तो पास तो आप आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये डर दूर कर लेते हैं कि हम क्या फेल हो जाएंगे कि पास होंगे। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि केवल अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो अब डरिए मत, ऐसा मत सोचिए कि सर क्या हम फेल हो जाएंगे, क्या हमारे नंबर कम आ जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। पहले फेल नाम का जो डर है आपके अंदर उसको बाहर निकालिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ जिससे आपका डर जो है वह दूर हो सके और आपको ऐसा लगे कि नहीं पास तो हम आसानी से हो जाएंगे केवल कुछ टॉपिक्स को तैयार करके। 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए और अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो कितने नंबर आप कर लेंगे, तो सात नंबर यहां से, दो नंबर आपका श्लोक लिखने का, तो सात दो नौ नंबर हो जाएगा, दस नंबर आपका जीवन परिचय, तो नौ और दस कितना हो गया, 19 हो गया। फिर यहां से देखिए खंड का पेपर मैंने नहीं बताया, यहां से भी कितने नंबर का, तीन नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, 24 और 24 दो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से चार नंबर, तो 26 चार 30 नंबर हो जाएगा, और फिर पांच पांच नंबर यहां से, तो 30 और 30 10 कितना हो जाएगा, तो 40 नंबर हो जाएगा। और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, तो केवल 23 नंबर चाहिए, और कितने आप सही कर लेंगे, तो 40 नंबर सही कर लेंगे केवल इतना पढ़ लेते हैं। तो 23 से कितने नंबर ज्यादा है, तो 17 नंबर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पास तो आप आसानी से हो जाएंगे और अच्छा नंबर लाने का सोचिए, आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पास होने के लिए सोचिए कि हमें पास होना है, बस पास होना है, ऐसा नहीं सोचना है। तो पहले इन टॉपिक्स को तैयार करके क्या करना है, पास होने से ज्यादा नंबर लाना है। फिर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे उन सभी टॉपिक्स को तैयार करना है, ठीक है। और ये जो दो क्वेश्चन है इसके मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे दो महीने आपकी जो तैयारी है बहुत ही जोरों तोरों से कराई जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, ऐसी तैयारी मैं दो महीने के अंदर आपकी कराने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।